नमस्कार देशवासियों, मैं बीएसएफ के जवान तेज बहादुर की वाइफ शर्मिला हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप सभी ने देखा। उस दिन से आज तक मेरे पति को मानसिक तौर से परेशान किया जा रहा है। उनने जो शिकायत की वो खाने की थी। वो एक करप्ट अधिकारी जो उनका खाना बाजार में बेच रहे थे उसके खिलाफ थी। उनकी मंशा कोई गलत नहीं थी। अपने सभी सैनिक भाइयों के हक में थे। आज जब मेरी उनसे बात हुई तो बड़े दुखी थे और मैंने उनसे पूछा, आज 26 जनवरी है तो वहाँ पे भी 26 जनवरी मनाई गई होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से बीएसएफ की ड्यूटी कर रहा हूँ, पर आज मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मुझे कहीं नहीं ले जाया गया। मैं यहाँ चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता हूँ, ना कुछ ड्यूटी है कुछ नहीं है, बस सोचता रहता हूँ। आप सभी ने देखा कि उनका वीआरएस मंजूर हो गया था। पहले तो वीआरएस के लिए मजबूर किया गया और जब उन्होंने दबाव में आकर वीआरएस लिख दिया, दिखाया भी टीवी में कि उनका वीआरएस मंजूर हो गया है और अब उनका वीआरएस का कोई जवाब नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं और अब वो आना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो वीआरएस लेके आ जाए, पर वो बीएसएफ के अधिकारी मानसिक तौर से उनको परेशान कर रहे हैं और वो बस यही कहना चाहते हैं कि 31 तारीख को उनका वीआरएस हो जाए और अगर नहीं हुआ तो वो 2 तारीख से अनशन करेंगे। मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर मेरे पति अनशन पर बैठे तो उनका समर्थन दें। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि 31 तारीख को उनका वीआरएस मंजूर किया जाए। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। धन्यवाद।